हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे यहाँ पर हमारे यूपीपीएससी का जो लेक्चर जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी एटीपी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें प्रिंसिपल ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीजनिंग प्लानिंग के बारे में। रीजनल प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू गाइड द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्जर जियोग्राफिक एरिया सच एज रीजन, स्टेट, इवन एंटायर कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अचीव बैलेंस्ड ग्रोथ एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, पहले बात तो देखिए रीजन की बात करते हैं ना, क्या करते हैं रीजन, रीजन की बात करते हैं। जैसे आपके अपन देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे पूरा कुछ कल्चरल, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे उसमें क्या आता है, एक मेवाड़ रीजन आता है ना, ठीक है, आपका एक मारवाड़ रीजन आता है, जोधपुर वाला पार्ट, मेवाड़ रीजन जो आता है वो उदयपुर वाला पार्ट है। तो ऐसे क्या करता है कि जब आप एक पूरे रीजन को, अब रीजन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 या 3 या 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो एक लार्जर एरिया या लार्जर जियोग्राफिक एरिया के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं, उस पूरे को एक मानकर हम प्लानिंग करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर मेवाड़ के लिए यहाँ पर्टिकुलर ऐसी बोली बोली जाती है या पर्टिकुलर यहाँ पर कल्चर ऐसा है, उसको बेस मान के हम ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, जिससे क्या होगा कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको मिलेगी। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं आइए जानते हैं रीजनल प्लानिंग के। सबसे पहला आता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। रीजनल प्लानिंग कंसीडर्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कल्चरल एस्पेक्ट्स। इट एम टू क्रिएट ए होलिस्टिक विजन दैट एड्रेस द इंटर कनेक्टनेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन द रीजन। तो क्या होता है कि देखिए, ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है पूरे के पूरे रीजन की, जिसके अंदर आपको सोशल का भी ध्यान रखना है, इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है और कल्चर का भी ध्यान रखना है। सारे एस्पेक्ट्स आपको लेके चलने हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। रीजन जो है आपकी सिटी से बड़ा होता है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इट एम टू क्रिएट होलिस्टिक विजन दैट एड्रेस द इंटरकनेक्टेड और डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन द रीजन। तो एक तरह से हमें एक होलिस्टिक विजन तैयार करना है सबको एक कंप्रिहेंसिव लेके, जिससे कि जो एड्रेस करता है उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को, जो कि डिफरेंट एलिमेंट है उस रीजन के अंदर। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा, देखिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल प्लानिंग ऑर्गेनाइज लैंड यूज एंड डेवलपमेंट इन अ वे दैट ऑप्टिमाइज रिसोर्स एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। इट डेजिग्नेट स्पेसिफिक एरिया फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एंड रिक्रिएशन। तो अब देखिए आप क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई जैसे मान लीजिए दो मेरे पास बोल सकते हैं कि दो सिटी है ना, ये सिटी वन है, ठीक है, ये सिटी टू है। अब इन दोनों के बीच में या कहीं एक बॉर्डर पे कोई लेक आ रही है या कोई ऐसी रिवर फ्रंट है जिससे आपको डेवलप करना है, जिससे क्या हो सकता है कि वहाँ की उस एरिया की पर्टिकुलर ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस पूरे रीजन को ऐसा मानना है कि हम उस पूरे रीजन का लैंड यूज डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो जो रिसोर्सेज उस पूरे रीजन में अवेलेबल, ना कि सिटी में, सिटी में हो सकता है कि रीजन लिमिटेड हो, कि जैसे मान लीजिए कोई तालाब है वो आधा सिटी के अंदर आता है आधा बाहर जाता है ना, ठीक है, लेकिन रीजन के अंदर तो पूरा तालाब आ रहा है, तो उस पूरे रीजन के लोगों के लिए हम उसे टूरिस्ट पॉइंट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल, जो हिस्टोरिकल मंदिर हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, उनको हम ऑप्टिमाइज वे में जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक एरिया में काम कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, सिटी का क्या डेवलपमेंट होगा उस एरिया में, एग्रीकल्चर कैसा होगा, कंजर्वेशन में बात कर सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, उस तरफ से हम प्लानिंग कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए आज की नीड बोल सकते हैं या फ्यूचर की नीड जो है, ठीक है ना, फ्यूचर की नीड क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबिलिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इंश्योरिंग दैट डेवलपमेंट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ऑब्वियसली बात है, पानी की नीड आपको आज है ना, डेवलपमेंट के लिए अगर मान लीजिए हम पानी को कुछ रोक रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन पे भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। जो रोड बना रहे हैं, जो एनवायरनमेंट, जो चीज़ें हैं, उसका जो फ़ायदा है फ्यूचर जनरेशन भी ले सके। रीजनल प्लानिंग सिक्स बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल इक्विटी। तो जब आप रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बैलेंस होनी चाहिए, स्पेशली जो हमें काम करना है सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर काम करना है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर काम करना है। आप वहाँ पर जो मटीरियल है, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन मटीरियल है या जो भी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, वो सस्टेनेबल वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए और सोशल इक्विटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली बात है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। जहाँ भी अपने प्लानिंग की बात होगी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। इन्वॉल्विंग स्टॉक होल्डर, लोकल कम्युनिटी, रेजिडेंट्स, प्लानिंग प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग प्लान्स दैट रिफ्लेक्ट देयर नीड एंड एस्पिरेशन। पब्लिक इनपुट इनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इनिशिएटिव। तो जो भी आप रीजनल प्लानिंग के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको इंटरकनेक्टेड जो दो सिटी है उनके बीच में इंटरकनेक्टेड रोड बना रहे हैं, तो सिटी उस रोड के आसपास का जो लोग हैं उससे आप बोल सकते हैं कि उन्हें आप प्लानिंग कर सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो वहाँ के सरपंच हैं, जो पंच हैं, जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं और उसे के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड है, क्या वो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो ये जो बात हो रही है पूरे रीजन की बात हो रही है, ठीक है। इक्विटी एंड सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं। रीजनल प्लानिंग एम टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड सर्विसेज फॉर ऑल रेजिडेंट्स रिगार्डलेस देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और बैकग्राउंड। इट एड्रेसेस डिस्पेरिटीज एंड प्रमोट सोशल जस्टिस विद इन द रीजन। तो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड हो, वाटर की सर्विसेज हो, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हो, तो उस पर जो अमीर व्यक्ति है, जो समाज के जो हाई इनकम ग्रुप वाले जो हैं लोग, उन पर भी उतना ही हक है जितना लो इनकम वाले ग्रुप का। मतलब वो भी वही रोड यूज़ कर सकते हैं, वो भी वही रोड यूज़ कर सकते हैं, उसी से बिजली, उसी थंबे से बिजली HIG के घर भी जाएगी और LIG के घर भी जाएगी। तो हमें ऐसे प्लान करनी है कि जो सभी उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को रिगार्डलेस उसको हटाकर जो सर्विसेज हैं वो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उन्हें मिले, ठीक है। और इससे सोशल जस्टिस जो है रीजन के अंदर पैदा होता है। इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन आर सेंट्रल टू रीजनल प्लानिंग, इंश्योरिंग दैट नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी आर कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। प्लान्स प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस, पोल्यूशन रिडक्शन एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस। तो आपको ये भी प्लान करना है कि आपके एरिया में जो भी इन्वायरमेंटल, जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो बायोडाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम डेवलप्ड है, आप उसको कंजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे ना, वो पूरे पूरे रीजन के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अब पक्षी जो बोल सकते हैं आप, जैसे अभयारण्य जो होते हैं अपने, वो एक या दो जिलों में फैले होते हैं, तो पूरे रीजन को हमें प्लान करना है और उसका कंजर्वेशन इस वाले जिले में भी लागू होगा और इस वाले जिले में भी लागू होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपना जो डेवलपमेंट है उसको कर सकते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, रीजनल प्लानिंग फोस्टर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री और सेक्टर, इट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक क्लस्टर, इंकरेजिंग इनोवेशन एंड रेजिलेंस। देखिए पर्टिकुलर सिटी में हो सकता है कि एक सिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर से IT इंडस्ट्री के लिए या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, किसी कपड़ा मिल के लिए जानी जा सकती है, लेकिन जब आप पूरे रीजन की बात करते हैं तो उससे क्या होगा कि इस पूरे रीजन का सिर्फ, जैसे इस सिटी का तो हो सकता है कि डिपेंडेंसी इस इंडस्ट्री पर ही होगा कि जो रोजगार है वो कपड़ा वाली इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री ही देगी, लेकिन जब आप रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग जो है एरिया वाइज ओपन कर सकते हैं, उनकी इंटरकनेक्टिविटी अगर काफ़ी अच्छी होगी तो लोग क्या कर सकते हैं, एक ही रीजन के अंदर इंटर ट्रैवल कर सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर वो उस रीजन में उस जगह पर पहुंच जाए, वहाँ पर काम करें और वापस अपने घर आ जाए, तो ठीक है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर पर डिपेंडेंस खत्म होती है और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक क्लस्टर जो है बना सकते हैं जो कि रिजिलेंस और इनोवेशन को इंकरेज करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यूटिलिटीज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल प्लानिंग इंश्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल डिजाइंड, इंटीग्रेटेड एंड सपोर्ट बैलेंस्ड ग्रोथ। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका जो रोड डेवलपमेंट है वो आता है, तो रोड जो है दोनों सिटीज़ के बीच में जो रोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होने चाहिए, कनेक्टिविटी उनकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने आपकी सिटी तक रोड है उसके बीच में फिर रोड ख़राब आ गया। तो ये एज ए रीजन जब आप डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, आजकल तो मोबाइल आ गए लेकिन जब पहले थंबे के ऊपर लाइन जाती थी तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था अपने लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। और ये क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड और बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट करता है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है पूरे के पूरे उसमें, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ऑब्वियसली बात है कि अगर हम रीजनल प्लानिंग एक्नोलेज प्रिजर्व्स कल्चरल लैंडमार्क्स, हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशन, इट इंक्रीट कल्चरल एलिमेंट्स इनटू डेवलपमेंट प्लान टू मेंटेन रीजन यूनिक आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में मेवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन जो है जनरली किसका है, राजपूतों का है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, जैसे आपने देखा होगा नाथद्वारा का मंदिर है, सांवरिया सेठ का मंदिर है ना, आप देख सकते हैं चारभुजनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसे जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको आपको डेवलप करने के लिए, या चित्तौड़ का किला है, ठीक है, चित्तौड़ का फोर्ट जो है, तो उन सबको आप एज ए पूरे रीजन वाइज आप वहाँ से फंड लेकर उसे रीजनल
उसके ऊपर में डेवलप कर सकते हैं कि हाँ यार आप कभी राजस्थान जाएं तो राजस्थान में मेवाड़ जाएं, मेवाड़ में आप उदयपुर भी घूमें, आप चित्तौड़ भी घूमें, आप कुंभलगढ़ भी घूमें, है ना। तो इस हिसाब से आप जो है वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर रिजर्व जो रीजन है उसका हेरिटेज, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसे कंजर्व करके हम आगे काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी, रीजनल प्लानिंग अकाउंट्स फॉर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अनफोर्सिन चैलेंजेस। प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट इवॉल्विंग नीड्स एंड ट्रेंड्स। ऑब्वियसली बात है, जब हम रीजनल प्लानिंग के लिए कोई प्लान तैयार करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी की संभावना हमेशा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। आज से अगर हम 10 साल पहले या 15 साल पहले जाएँ तो वहाँ पर मोबाइल नहीं थे, या बहुत छोटे छोटे कीपैड वाले मोबाइल थे, और आज आप देख सकते हैं मोबाइल में ही पूरी की पूरी दुनिया, आप जो अपना लेक्चर देख रहे हैं वो भी आप मोबाइल के अंदर ही देख रहे हैं मोस्ट प्रोबली, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमेशा तेजी से बढ़ता है, तो उसके लिए हमेशा एक जगह होनी चाहिए जो अनफोर्सिन चैलेंजेस है। मान लीजिए जैसे अनफोर्सिन चैलेंजेस क्या था, अभी COVID-19 आया था, तो वो एक अनफोर्सिन चैलेंजेस था। अब उसने सारी की सारी ग्रोथ को रोक के सारा फोकस उस पर कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान में होनी चाहिए, जो इवॉल्विंग नीड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उसको हम अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। और आप मेरा लेक्चर अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा। रीजनल प्लानिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एंड कोलाब्रेशन अमंग वेरियस जुरिसडिक्शन गवर्नमेंट बॉडीज एंड स्टेक होल्डर्स। पार्टनरशिप बिटवीन नेबरिंग एरियाज इंश्योर प्लानिंग एफर्ट कंसिडर बॉर्डर इम्पैक्ट्स, ब्रॉडर इम्पैक्ट्स। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप रीजनल कोलाब्रेशन होंगे, ज्यूरिडिक्शन जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ के काम ईजीली हो जाएंगे। मान लीजिए आपके रीजन में मुख्य अदालत है ना, तो आसपास के रीजन वाले भी वहाँ पर इजीली आ सकते हैं, वहाँ पर मिल सकते हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। गवर्नमेंट बॉडीज़ है, कोई काम करवाना है तो इसकी एक सब बॉडी जो है, आपने उस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी बॉडी, अगर वो जो लोग हैं वहाँ के उस सब बॉडी में जाकर अपनी शिकायत करते हैं तो वो मेन बॉडी तक आ जाती है और वो उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाता है ना। तो इस टाइप से हम रीजनल कोलाब्रेशन कर सकते हैं। किसी सिटी में कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है, किसी सिटी में कम अमाउंट में, तो वो दोनों आपस में कोलाब्रेशन करके उसको एक अच्छे रूप में डेवलप कर सकते हैं। रेजिलेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, रीजनल प्लानिंग जो है कंसिडर करती है नेचुरल हजार्ड, क्लाइमेट चेंज, अदर रिस्क, एनहेंस द रीजनल रेजिलेंस प्लान, इंक्लूड स्ट्रेटजी टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज एंड मैनेज पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन। अब देखिए बाढ़ जो आती है, अब ऐसा तो है नहीं कि बाढ़ कोई बाउंड्री देख कर आएगी कि नहीं मैं तो इस सिटी वन में ही अपना इफेक्ट डालूंगी और सिटी टू में अपना इफेक्ट नहीं डालूंगी, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो पूरे रीजन में आ सकती है, उस एरिया में आ सकती है। तो जो स्ट्रेटजीज बननी चाहिए, है ना, नेचुरल हैजार्ड्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वो पूरे रीजन को लेकर हमें स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है, जिससे क्या है कि जो पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन है उसको हम मैनेज कर सकें, वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। इफिशियंट रिसोर्स अलोकेशन, रीजनल प्लानिंग ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी, अदर रिसोर्सेज टू अवॉइड वेस्ट एंड इनफिशियंसी। अब जैसे आप एक सिटी की बात करते हैं और एक रीजन की बात करते हैं ना, सिटी जो है रीजन के अंदर ही आती है, तो वहाँ पर हमारे पास जो जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो वाटर का सोर्स हो, कोई पावर प्लांट है, वो एनर्जी का सोर्स हो, या अदर रिसोर्सेज जो जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको हम कम से कम वेस्ट करके और इफ़िशेंसी के साथ उसका यूज़ कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए सिटी को बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम कुछ और बिजली जो पैदा होती है वो पास के गाँव में होती है या पास के एरिया में होती है, तो वहाँ से हम बिजली को जो है सिटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो रिसोर्स एलोकेशन में भी इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म विज़न होता है रीजनल प्लानिंग का हमेशा। रीजनल प्लानिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इन विजन द रीजन डेवलपमेंट एंड ओवर डिकेड्स एंड जनरेशन, इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर सस्टेंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब भी आप रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं तो रीजनल प्लान होते हैं जनरली कितने ईयर्स के होते हैं, 20 ईयर्स की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीजनल प्लान जो होते हैं वो कितने साल के होते हैं, 20 ईयर्स के। अडेप्टिव गवर्नमेंट्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड बी अडेप्टेबल टू चेंज इन द रीजन नीड एंड डायनामिक रीजन प्लानिंग रिक्वायर्स गवर्नेंस मैकेनिज्म दैट कैन इवॉल्व अलोंग साइड द रीजन इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग जो हैं मतलब इजीली उस चीज़ों को फॉलो कर पाएँ, गवर्न कर पाएँ, उनको डिसीजन मेकिंग में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि जो पूरे रीजन के लिए काम करें, रीजनल बॉडी असेंबली। बाय एडेरिंग दीज प्रिंसिपल रीजनल प्लानिंग एम्स टू क्रिएट थ्राइविंग रेजिलेंट एंड हारमोनियस रीजन दैट बैलेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलबींग एंड कल्चरल रिचनेस।
तो हम अगर रीजनल प्लानिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो इसका जो मेन होता है वो रेजिलिएंट हार्मोन्स रीजन बनाने का होता है, जिससे एक बैलेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो और सोशल वेलबींग और कल्चरली रिचनेस को डेवलप करने के लिए हम काम करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।